नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा नागवंशी। तो अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक युवक ने अपनी ही प्रेमिका को गोली मारने के बाद बड़ी ही दिलेरी से पुलिस के सामने तमंचा रखते हुए इस बात को कबूल किया है कि हाँ, मैंने ही अपनी प्रेमिका का कत्ल किया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल सोमवार के दिन युवती अपने मौसेरे भाई के साथ गाड़ी पर बाजार गई थी। उसी वक्त ये युवक, जिसका नाम रजनेश बताया जा रहा है, पहले तो उसने युवती को शादी का प्रस्ताव रखा, जिसका विरोध करते हुए युवती ने शादी के लिए साफ साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद रजनेश काफी ज्यादा गुस्से में आ गया और रस्ते से घसीटते हुए काफी दूर तक ले गया। लेकिन तब भी युवती नहीं मानी और लगातार इस युवक का विरोध कर रही थी। आपको बता दें कि इस पूरी घटना के बाद रजनेश इतने ज्यादा गुस्से में आ गया कि उसने तुरंत ही लड़की पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद लड़की की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस पूरी घटना के बाद युवक एसएसपी ऑफिस पहुंचा, जिसके बाद उसने खाली तमंचा पुलिस के सामने रखते हुए ये कहा कि मैंने अपनी प्रेमिका का कत्ल कर दिया है। ये सुनते ही पुलिस कर्मियों के बीच हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही जिस तमंचे से आरोपी ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था, उस तमंचे को भी पुलिस ने कब्जे में कर लिया है। साथ ही शव को जांच के लिए भेजा गया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। पुलिस के साथ हुई पूछताछ में आरोपी ने ये बताया है कि इसकी प्रेमिका ने इसका ऑटो बिकवा दिया था, साथ ही 1 बीघा जमीन को गिरवी रखवा कर कुछ जेवरात बनवाए थे। साथ ही कुछ समय बाद युवक ने अपनी प्रेमिका को 30-40 हजार रुपए तक भी दिए थे, जिसके बाद प्रेमिका ने शादी से साफ साफ इनकार कर दिया था। इसी के साथ साथ युवती इस युवक को बार बार देख लेने की धमकी दिया करती थी। साथ ही कई बार तो इसने अपशब्द कहकर युवक को अपमानित भी किया है। इन्हीं सब कारणों के वजह से युवक बेहद ज्यादा परेशान हो चुका था और यही एक कारण था कि जिसके वजह से उसने अपनी ही प्रेमिका का कत्ल कर दिया। इस पूरे मामले पर बरेली के एसएसपी रोहित सिंह ने ये बताया है कि युवक ने बड़े ही दिलेरी से इस पूरे जुर्म को कबूल कर लिया है। साथ ही युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जिसके बाद उसके शव को उसके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये खबर, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।